अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधुओं, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आज आपको बताऊंगा एक ऐसा एनर्जी वाला बूस्टर, ऐसी दवा जो आपको मवेशी में हर बीमारी में काम करेगा। हर तरह का कोई भी बीमारी होगा उसमें दवाई काम करेगा। किसान बंधुओं, कब आपकी गाय भैंस है, बछड़ा बछड़ी है, कमजोरी हो गया है, खाना पीना अच्छा दे रहे हैं, कीड़ा डिबालमी का भी दवाई दे दिया है, लेकिन दिन प्रतिदिन आपकी मवेशी कमजोर हो रही है, दूध का मात्रा घट रहा है, दिन प्रतिदिन उठने बैठने में कमजोरी हो रहा है, इतना कमजोर हो उठ बैठ नहीं पाती है, कैसा दवाई आपको बताऊँ पशुपालक भाई, जो हर बीमारी में काम करेगा, हर तरह का वो रोग को ठीक कर सकता है। जैसे आपके दूध की कमी है, दूध में फैट की मात्रा कम हो रहा है, दिन दिन प्रतिदिन पशु खाना चारा कम खा रही है, या थन का विकास नहीं हो पा रहा है अच्छा ढंग से, फैट का मात्रा कम हो रहा है, आपको ऐसा पशुपालक भैया का ऐसा दवाई बताऊंगा कि आपको हर बीमारी में, हर पशु संबंधित रोग में, बछड़ा बछड़ी आपका कमजोर है हो रहा है, आप डिवार्मिंग का दवाई दे रहे हैं तब भी कहते हैं डॉक्टर से हमारे बछड़ा बछड़ी का वेट नहीं बढ़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, ताकत नहीं मिल रहा है, विकास ग्रोथ उसका नहीं हो रहा है, बछड़ा बछड़ी में भी दवाई काम करेगा और बड़ी मवेशी में भी दवाई करेंगे काम करेगा। पशुपालक भाई, चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं, बताते हो कौन सी दवा है, कौन सा बूस्टर है, कौन सा वो केमिकल है जो कि आपके हर रोग में वो काम करेगा। उस किसान बंधु, वो दवाई आपको दिखा रहा है, देखिए ये कार्बोरल है, कार्बोरल कैल्शियम कार्बोरल आता है, इसको कोई कैल्शियम भी कहता है, कोई कार्बोरल भी कहता है, इसमें कैल्शियम का भरपूर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक सब इसमें है। ये कार्बोरल भाई बोतल में आता है, 450 ml का बोतल है कार्बोरल का। पशुपालक भाई, आप लोगों को, आपकी गाय भैंस अगर बड़ी मवेशी है, कमजोर हो गई है, दूध का मात्रा कम दे रही है, आप दूध नहीं दे रही है तब पर भी दिन पर दिन कमजोरी हो रहा है, पाल नहीं खा रही है कमजोरी के चलते, तो इस दवाई को काम करेगा आपको। ये दवाई को क्या कर रहा है पशुपालक भाई, किसी भी पशु डॉक्टर को बुला लीजिएगा और मेडिकल पर से कार्बोरल एक बोतल लाइएगा, कार्बोरल का लाइएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसको नस में चढ़वाना है सलाइन सेट से। देखिए ये सलाइन सेट है, ये सलाइन सेट ले लीजिएगा। इस बोतल को चढ़ाने का एक और नियम है, आप लोगों को पता नहीं है और पशु डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, तो आपको बताना है उस समय, आपके पशु डॉक्टर आएंगे आपके मवेशी को पानी चढ़ाने को, कार्बोरल है पानी है, जैसे हेमाशील आता है ना आदमी में, हेमाशील ताकत ले चढ़ता है शरीर में, उसी तरह पशु का हेमाशील है, इसको आपको चढ़वाना है। चढ़वाने का विधि है ये पशुपालक भाई, जब भी आपके पास कोई भी डॉक्टर आए तो इस बोतल को गर्म पानी में आधा घंटा तक रखना है, हल्का सुसुम पानी में आधा घंटा तक बोतल को उसमें हिलाना है, थोड़ा गर्म पानी में बोतल को, जब पूरा गर्म हो जाए, आपको समझे कि आपका बोतल गर्म हो गया, तब डॉक्टर साहब से कहिए, डॉक्टर साहब हमारे बोतल को गाय या भैंस है उसको पूरा एक बोतल चढ़वाइएगा बड़ी मवेशी को, इस लाइन सेट से कान के नस में चढ़ाया जाता है, कान का जो वेन होता है उसमें ब्लड आएगा, उसमें डॉक्टर साहब इस दवाई को लगा करके पूरे इसी को चढ़वाना है, ये दवाई चढ़वाइएगा तो आपका मवेशी का शरीर का वेट बढ़ने लगेगा, भूख भी इससे बढ़ेगा, दूध का भी मात्रा बढ़ेगा, ये बीमार हर बीमारी में काम करेगा। ये न सोचिएगा कि हेमाशील चढ़ता है आदमी को कमजोरी हो जाता है, कमजोरी में गाय भैंस में अगर खूब चारा देना अच्छा देंगे कमजोरी होगा तो दूध का मात्रा दिन प्रतिदिन घटने लगेगा, या दूध नहीं दे रहे तो उसका शरीर का मात्रा घटने लगेगा, दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर होते होते गिर जाएगी मवेशी, आप कितना भी अच्छी नस्ल की गाय भैंस रखेंगे गिर जाएगी और कमजोरी से उठ नहीं पाएगी। इस चढ़वाइएगा, ये रामबाण की तरह काम करेगा, एक बोतल पूरा चढ़ाना है, अगर छोटी मवेशी है, बछड़ा बछड़ी है तो आधा बोतल चढ़वाइएगा, आधा बोतल आप फ्रिज व्रिज में कहीं ठंडा जगह पर रख दीजिए, खराब नहीं होगा, दो रोज के बाद फिर आधा बोतल चढ़वा दीजिएगा। पशुपालक भाई, आप इस बोतल को आप चढ़वा कर एक बार देखिए कि दूध का मात्रा किससे बढ़ता है, रामबाण की तरह दूध का मात्रा ही बढ़ा देगा ये कार्बोरल, आपको पूरा बड़ मवेशी को चढ़वाइए, दूध का मात्रा भी, दूध जिसका घट रहा है उसका दूध भी, गर्मी का मौसम है दूध का मात्रा घटा उसमें ही कार्बोरल आपका अच्छा काम करेगा। सलाइन सेट से नस में चढ़ाना है, आप नस में चढ़वाइएगा तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो एक और दवाई उपाय बता देते हैं, गर्दन में सबकट मांस और चमड़ा के बीच में भी आधा आधा करके, आधा एक रोज के बाद आप चमड़ा और मांस के बीच में भी दोनों गर्दन में आप इसको आधा आधा सपट दिलवा सकते हैं, वो भी काम करता है, उतना ही काम करेगा लेकिन नस वाला जल्दी काम करेगा। पशुपालक भाई, अगले बार फिर आऊँगा, किसी पशु संबंधित बीमारी के विषय में बताता रहूँगा, आपका सुझाव लेता रहूँगा, आपको आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है, आप जो कहिएगा, जो दवाई पूछिएगा अंग्रेजी होम्योपैथी बताता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।